हेलो स्टूडेंट, आर के विज्ञान महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आगामी जो परीक्षा जो 2019 में होने वाली है, उसके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शुरू करते हैं कि महासागर निक्षेपों का विस्तृत वर्णन कीजिए। महासागर के तल पर संचित होने वाले समस्त पदार्थों को महासागरीय निक्षेप की संज्ञा प्रदान की गई है। वास्तव में समुद्रों का नितल जैविक एवं अजैविक स्रोतों से प्राप्त अवसादों की सैकड़ों हजारों मीटर मोटी परतों से ढका हुआ है। टेवन हॉल के अनुसार निक्षेपों के अध्ययन में इनके स्रोत उत्पत्ति के स्थान से निक्षेप के स्थान तक परिवहन की स्थिति तथा उनमें क्षैतिज तथा लंबवत अंतर की जानकारी सम्मिलित है। अब स्टूडेंट देखें, नोट क्या है कि किस हिसाब से अब क्या है निक्षेप क्या है। जिस प्रकार से आप देखते हो धातु पर विभिन्न प्रकार के पत्थर होते हैं, बजरी होती हैं, उसी प्रकार से महासागरीय जो भाग में हैं, जो उनके आंतरिक भागों में देखते हो दिखता है आपको सब बराबर था, लेकिन उनके आंतरिक भागों में विशेषकर बजरी है, पत्थर है, विशेषकर जो भी कुछ वनस्पति होते हैं या कुछ ठोस पदार्थ होते हैं वो सारे निक्षेप होते हैं। अब नोट देखते हैं कि सर्वप्रथम ईसा से कई शताब्दी पूर्व यूनानी विद्वान हेरोडोटस का ध्यान समुद्र निक्षेपों की ओर आकर्षित हुआ था। फिर दूसरा है आधुनिक युग में फिलिप्स 1773 मरे 1872 रेनार्ड आदि ने समुद्र निक्षेपों का मानचित्रण किया था। तीसरा है कि महासागरीय निक्षेपों के वैज्ञानिक अध्ययन का सूत्रपात जॉन मरे और रेनार्ड द्वारा चैलेंजर अभियान की रिपोर्ट के प्रकाशन 1891 के साथ हुआ था। अब देखें स्टूडेंट, देखा जाए किस प्रकार दिखाया जा रहा महासागर निक्षेप। इसमें दोनों ही है, तलजात स्पेक और गहन सागरीय निक्षेप दोनों ही है। तलजात मतलब विशेषकर जो स्थल से आते हैं और गहन सागरीय मतलब जो अंदर ही अपना आप में निक्षेप रूप में पाए जाते हैं। विशेषकर जो तलजात में है, बजरी है, रेत है, सिल्ट है, मृतिका है मतलब मिट्टी है, पंख मतलब मड है, जो होता है ना जो गीला कचरा होता है उसे कहते हैं, बिल्कुल गीली मिट्टी होती है उसे मड कहते हैं। गहन सागरीय निक्षेप जैसे जैविक भी है, जीवित है, अजैविक भी हैं। अब इसके भी फिर दो भाग हो जाते हैं, जैविक के दो भाग हो जाते हैं। एक तो चूना प्रधान हो जाते हैं, दूसरा सिलिका प्रधान करते हैं। अब चूना प्रधान में क्या है, वो है ग्लोबी बेरिजम और टेरीपोस्ट है। तो सिलिका प्रधान है वो डायटम है, फिर रेडियो लोरियन पंख है। इसी प्रकार से अजैविक निक्षेप हैं, उसके भी दो प्रकार हो जाते हैं, एक लाल मृतिका और एक उल्का धूल। फ्रेंड देख रहे हैं स्क्रीन पे जो रेखा चित्र के हिसाब से ये मगन तट है, मादी मगन तट है, फिर मगन ढाल है लगातार, उसके बाद समतली है, लगातार गर्त है। तो किस प्रकार से कैसे हैं कि बजरी है, फिर बालू है, वोंगे हैं, फिर छिछलादल, मतलब छिछलादल कहने का मतलब कुछ ऐसा भाग जो जिसकी गहराई कम होती है। जलीय क्षेत्र जैसे मान लीजिए ये जल स्टार्ट होता है यहाँ से, तो हल्का सा भाग जो है ये छिछला क्षेत्र है, इसमें जिसकी जो गहराई है वो कम होती है जल क्षेत्र में। फिर बैथाली पेटी, इसमें नीला पंख, हरा पंख, लाल पंख, परवाल मृतिका, इसी प्रकार से फिर है टेरोपोस्ट, फिर ग्लोब बीरोज, फिर है रेडिकल सागर तल। अब फ्रेंड क्या है, आप देख लो लगातार कैसे कैसे पाए जाते, बजरी है, बालू है, इस आकार में महासागरों के आंतरिक भागों में ये निक्षेप पाए जाते हैं विशेषकर। दूसरे रेखाचित्र देख रहे हो किस प्रकार से रेत पंख है, प्रवाल है, नीला पंख है, हरा पंख है, फिर सागर तल है, महाद्वीप ढाल है और महासागरीय गर्त मतलब गड्ढे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आप जैसे एक तो धरातल पर कि जो कुछ उठे भाग हैं, हैं कुछ पत्थर हैं, रेडी रोड़ी है, बजरियां हैं जो फैली उनकी प्रकार से फैली, उसी प्रकार से जो महासागरीय भागों में भी इस प्रकार से निक्षेप पाए जाते हैं, इस प्रकार से धरातल पर पाए जाते हैं। शुरुआत करते हैं, पहला है स्थलीय स्थलजात भूमिगत पदार्थ। धरातलीय भाग पर अपेक्षिक क्रिया क्या होती है स्टूडेंट, विशेषकर ये होती है प्राकृतिक क्रिया होती है जिसमें विशेषकर ना के बराबर मानव का हाथ होता है, हस्तक्षेप होता है क्या, प्राकृतिक रूप से स्ट्रैंड जब टूटती है तो उसे मान लीजिए गर्म ठंडा होता है, मतलब
दिन का तापमान अधिक होता है, रात का कम हो जाता है, अचानक न्यून हो जाता है, जिससे क्या होता है चट्टाने फूल जाती हैं और फूल जाने के कारण लगातार ये क्रिया चलती रहती है और फूलते फूलते अपने स्थान से वो टूट जाती है, उसका अलगाव हो जाता है और नीचे गिर जाती है, इसे कहते हैं अपक्षय। अपक्षय क्रिया के कारण चट्टानों में विघटन मतलब टूटना तथा वियोजन अलग होना, जिस कारण चट्टाने बारीक से लेकर बड़े बड़े खंडों में टूट कर बिखर जाती हैं, इन्हें भूमि जय पदार्थ कहते हैं। अपरदन के कारण, अपरदन विशेष गतिशील क्रिया है और गतिशील मतलब परिमाण वाली क्रिया है, गतिशील क्रिया है। अपेक्ष स्थिति के मतलब एक स्थान पर चट्टानों का टूटना अपेक्ष कहलाता है, और अपरदन है जिसमें गतिशीलता है मतलब टूटने के बाद उनका परिवहन होना। मुख्य रूप से नदी तथा पवन है इन पदार्थों का परिवहन करके इन्हें महासागरों में जमा करना प्रारंभ करते हैं। क्योंकि इन पदार्थों के आकार में पर्याप्त भिन्नता होती है, अतः सागरों में इनके निक्षेपण में श्रेणीकरण पाया जाता है, मतलब उनकी श्रेणी अनुसार उनको रखा गया है। अर्थात बड़े बड़े पदार्थ तट के पास जमा होते हैं तथा सागर की ओर जाने पर इनका आकार घटता जाता है। सागर को जाने पर कैसे घटता है, मान लीजिए ये सागर ऐसे जाओगे तो लगातार घटता जाएगा इनका आकार। कुछ बड़े यहाँ होते हैं, फिर उसके बाद और महीन होते हैं और आगे और महीन हो जाते हैं ये कर्ण। यहाँ एक सुदूर जाने पर ये सागर जल के साथ घोल के रूप में लटके रहते हैं। कणों के आकार, उनकी बनावट तथा रासायनिक संगठन के आधार पर भूमिगत पदार्थों को बजरी, रेत तथा पंख तीन प्रकारों में विभक्त किया जाता है। पहला है बजरी। बजरी के अंतर्गत कणों का आकार 256 मिलीमीटर व्यास वाला होता है। इनके कणों के आकार में पर्याप्त श्रेणीकरण होती है। यह पदार्थ इतने बड़े होते हैं कि इनका निक्षेप सागर तट के समांतर सागर तट के मंगल तट पर होता है। अब फ्रेंड आपने तट पढ़े होंगे, विशेषकर ऐसे तट पढ़े होंगे तो ये जो क्षेत्र है वो मंगल तट है, फिर मगन ढाल है, फिर वैरते लगातार इस तरह से सागरी विस्तार फैला हुआ है, तो ये बजरी वहाँ पाई जाती है। फिर रेत एक मिमी से मतलब से लेकर 1/16 भाग मतलब व्यास वाले कणों को रेत कहा जाता है। रेत का निर्माण भी धातु से चट्टानों के विघटन से होता है, जिसे नदियां तथा पवन सागरों में लाकर जमा करती है। इसमें पढ़ेंगे सिल्क, फिल्ट, मत्रिका तथा पंख 1/17 मिलीमीटर से लेकर 1/256 मिलीमीटर व्यास वाले कणों को सिल्क तथा 1/257 मिलीमीटर से 1/8192 मिलीमीटर व्यास वाले कणों को मत्रिका कहते हैं। पंख के कण मत्रिका से भी छोटे होते हैं। मत्रिका एक संयोजक तत्व होती है। इन पदार्थों का निर्माण धरातल पर विघटन के कारण होता है तथा नदियों इनका परिवहन करके सागर में निक्षेपित करती है। मत्रिका तथा पंख का निक्षेप शांत जल में होता है। यही कारण है कि इनका जमाव लगभग 100 से 1000 फैदम की गहराई पर पाया जाता है। मरे ने पंख को रंग के आधार पर तीन प्रकारों बांटा है। पहला है नीला पंख। इसका निर्माण लोहे के ऑक्साइड तथा जैविक तत्वों से युक्त चट्टानों के विघटन से प्राप्त पदार्थों के द्वारा होता है। यह पाए जाते हैं अटलांटिक महासागर में, रूप सागर में मतलब भूमध्य सागर में, आर्कटिक सागर में और विशेषकर बंद सागर में नीले पंख निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। इसमें दूसरा है लाल पंख। लाल पंख मतलब लोहे के ऑक्साइड से युक्त चट्टानों के विघटन से प्राप्त पदार्थों के जमाव से लाल पंख का निर्माण होता है। और फिर तीसरा है हरा पंख या हरी पंख। नीले पंख के सागरीय रासायनिक अपक्षय के कारण, रंग परिवर्तन के कारण हरी पंख का निर्माण होता है। इसका जमाव उन सागरीय भागों में पाया जाता है जहां पर नदियों का जल नहीं आ पाता। उत्तरी अमेरिका के प्रशांत अटलांटिक तटों के पास, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका के तटों के पास हरी पंख लगभग 100 से 900 फैदम की गहराई तक पाया जाता है। अब हम देखें गंभीर सागरीय निक्षेप, विशेषकर इसमें क्या है कि जो ये एक मैदान रूप में होते हैं, मैदान रूप में निक्षेप पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं गंभीर सागरीय निक्षेप। ज्वालामुखी निकली हुई बारीक धूल को छोड़कर कोई भी स्थल जार निक्षेप महासागर मगन डाल के पाद प्रदेश तक सीमित होता है। अतः समुद्री मैदानों के निकल का अधिकांश भाग गंभीर महासागर निक्षेपों से ढका रहता है। गंभीर महासागर निक्षेपों का
संगठन समुद्र पर पाए जाने वाले उन असंख्य जीवों तथा वनस्पतियों के अवशेषों से होता है जो प्राय समुद्र की सतह पर तैरते रहते हैं। कभी कभी इन निक्षेपों के निर्माण में पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई ज्वालामुखी धूल का कण भी कुछ अंश पाया जाता है। अत्यधिक गहरे समुद्रों के नितल पर पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों के अवशेषों का इन निक्षेपों में बहुत थोड़ा अंशदान होता है। ऐसे निक्षेप जब समुद्र से निकले जाते हैं तथा मूलतः वे तरल पंख के रूप में होते हैं, इसलिए इन्हें अंग्रेजी के में उर्ज कहा जाता है। यही सिंधु पंख होता है। सूख जाने पर यह सिंधु पंख महीन कणों वाले पाउडर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इससे कुछ पदार्थ तो रवहीन होता है तथा कुछ थोड़ी मात्रा में अत्यंत सूक्ष्म आकार वाले कवचों के अवशेषों से बना होता है। इन निक्षेपों का निर्माण जिन समुद्र जीवों अथवा वनस्पतियों के अवशेषों से होता है उनमें इस वर्ग के अवशेष की प्रधानता रहती, उसी के आधार पर उनका नामकरण अथवा वर्गीकरण किया जाता है। अब गंभीर सागर निक्षेपों को दो भागों में बांटा, विशेषकर जैविक पदार्थ। ऐसे कार्बनिक पदार्थ भी, इन्हें कार्बनिक पदार्थ भी कहा जाता है। इस जमाव का स्रोत सागर रूप स्वयं है। इसके अंतर्गत सागर जीवों के अस्थि पंजर तथा वनस्पतियों के अवशेष से प्राप्त पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। इनके भी दो वर्ग हैं, विशेषकर तट तलवासी या नेरिटिक पदार्थ, दूसरा है अगाध सागर स्थलय या पेलेजिक पदार्थ। अब नेगरिटिक पदार्थ के अंतर्गत जीवों के अस्थि पंजरों तथा वनस्पतियों के अवशेष को सम्मिलित किया जाता है। सागर तरंगों द्वारा जीवों के अस्थि पंजरों तथा वनस्पतियों में विघटन एवं रासायनिक परिवर्तन होता रहता है, जिस कारण वे पंख तथा रेत में बदल जाते हैं तथा उनका जमाव सागर तली में हो जाता है। इनका जमाव मुख्य रूप से महाद्वीपीय मगन ढालों पर पाया जाता है, जिनके ऊपर प्राय भूमिगत जमाव का आवरण पाया जाता है। इसके अंतर्गत मोलस्क जीव के कोष तथा टुकड़े, रेडियोलिस के अस्थि पंजर तथा स्पंज की कृष्णिका, चूना प्रदान एवं अम्ल प्रदान वनस्पति के अवशेष को सम्मिलित किया जाता है। अवशेष दूसरा है अगाध सागर स्तय या पेलेजिक पदार्थ। इसके अंतर्गत अगाध सागर मिलने वाले शैवाल से निर्मित पदार्थों सम्मिलित किया जाता है। वास्तव में ये पदार्थ पंख के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें उर्ज कहा जाता है। चूना और सिलिका की मात्रा के आधार पर इन्हें दो प्रकारों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला है चूना प्रधान उर्ज। चूने के अंश की अधिकता के कारण ये पदार्थ अधिक गहराई पर नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये शीघ्र ही घुल जाते हैं। इनकी स्थिति 1000 से 2000 फैदम के बीच सागरों की तली पर पाई जाती है। प्रमुख जीव के आधार पर चूना प्रधान उर्ज को पुनः दो उपभागों में विभाजित किया जाता है। पहला है टेरापोस्ट उर्ज। महत्वपूर्ण मोलस्क जीव टेरापोड द्वारा इस उर्ज का निर्माण होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट लगभग 80% होता है पाया जाता है। इन जीवों के कोष पतले होते हैं, जिनका व्यास लगभग 1.5 इंच की होती है। आयनवती सागरों के गर्म जल में ये उर्ज 300 से 1000 फैदम के बीच में पाए जाते हैं। इसकी स्थिति मुख्य रूप से मूंगे वाले क्षेत्रों में अधिक पाई जाती। इसका जमाव प्रशांत महासागर के पश्चिम तथा पूर्वी भागों में ओदोस के पास किनारी द्वीप एटलिस रूम सागर के मध्यवर्ती अंत सागरीय कटक तथा हिंद महासागर में पाए जाते हैं। स्टूडेंट इसमें एक आया था आयनवर्ती क्षेत्र, वो हो सकते हैं जो विशेषकर जहाँ कर्क तथा मकर रेखा के जो बीच के भाग होते हैं, बीच के जो क्षेत्र होते हैं अक्षांश विशेष में, वो आयनवर्ती क्षेत्र कहलाते हैं। अब आ जाए इसके दूसरा है ग्लोबिरोजिन। इसका निर्माण मुख्य ग्लोबिरोजिना नामक फेराफेरिनियस जीव के द्वारा होता है। यह 2000 से 4000 फैदम के बीच पाया जाता है। इसका निक्षेप रूप से निम्न अक्षांश में पाया जाता है। फिर है सिलिका प्रधान उर्ज। कम घुलनशील होने के कारण यह अधिक गहराई वाले क्षेत्रों में भी पाया जाता है। इन्हें पुनः दो उपभागों में बांटा जा सकता है। पहला है रेडियो
लेरियन उर्ज। इनका निर्माण रेडियो लेरियन नामक जीव के अवशेष द्वारा हुआ है जो एक ही प्रोटोजोआ जीव के हैं। साथ ही इसमें फेरोमेफिनिफेरा वर्ग के जीवों के अवशेष भी मौजूद रहते हैं। ये उर्ज 2000 से 5000 फैदम की गहराई तक पाए जाते हैं। फिर दूसरा है डायटम उर्ज। इनका निर्माण अत्यंत सूक्ष्म पौध द्वारा होता है। फिर आगे अजैविक, अजैविक में है अजैविक निक्षेप। जब तापमान वृद्धि या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी होने के कारण वायुमंडल में परिवर्तन होता है तो ठोस पदार्थ पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं एवं महासागरों में निक्षेपित हो जाते हैं। लाल मृतिका यह सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्रों में पाई जाती है। धन्यवाद फ्रेंड, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन मेरे द्वारा आपको सही समझाया गया होगा। धन्यवाद।